सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंतिम दिन प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन हिमाचल प्रदेश के 72,000 किसानों ने देखा। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी थाना कलां से प्राकृतिक खेती पर वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस आयोजन के विशेष पहलू रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशेषकर किसानों के लाभ के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सर काफी बल दिया गया है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को किसानों को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है कि वो रासायनिक कीटनाशक अपनी खेती में प्रयोग करने से जो उनको खेती महंगी पड़ती है, ये प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाएं और जहाँ उनकी आय भी बढ़ेगी वहीं से जहरीली खेती से जो है वो निजात मिलेगी। और ये पहली बार हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे किसानों से जो है वो बातचीत की हो। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से, किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उधर हमीरपुर की ग्राम पंचायत बटेडा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे संवाद को सुना गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के हर किसान को प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने संबोधन में किसानों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित के लिए प्रेरित किया। स्थानीय पंचायत प्रधान राजेश शर्मा ने इस संवाद को किसानों के लिए लाभप्रद बताया। बंगाणा से मुनिंद्र अरोड़ा के साथ कृष्ण पाल शर्मा की रिपोर्ट। बंगाणा से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मुनिंद्र अरोड़ा और कृष्ण पाल शर्मा के साथ हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर और कांगू से सतीश धीमान की रिपोर्ट।